हाय हेलो गाइस, हाय आकाश शर्मा हियर फ्रॉम ट्रेडर्स गाइड लाइव, वेलकम यू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत सारों का क्वेश्चंस रहता है कि हाउ टू स्टार्ट डे ट्रेडिंग एज ए बिगिनर, डू वी नीड टू स्टार्ट डे ट्रेडिंग एज ए करियर, पसंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वैसे बहुत सारे बिगिनर्स लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि व्हाट दे हैव टू, कौन सा पाथ सिलेक्ट करना चाहिए, कि फुल टाइम जॉब छोड़ के चालू कर देना चाहिए कि यू हैव टू वेट फॉर यू नो मोमेंट और समथिंग। तो वो हम डिस्कस करेंगे। अगेन यस आई कैन से यस डेफिनेटली यू कैन बिकम ए फुल टाइम ट्रेडर, इधर आप इंट्राडे भी कर सकते हो, आप स्विंग ट्रेडर भी बन सकते हो, राइट। दिस इज माई ओपिनियन, राइट, जो मैं बता रहा हूँ मैं मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बोलूंगा कि जो लोग अभी ऑलरेडी जॉब करते हैं, राइट, जो लोग सैलराइड पीपल है, तो वो मैं इनिशियल एज ए इनिशियल मैं बोलूंगा कि फर्स्ट यू हैव टू चालू करना है जॉब, चालू रखना है जॉब। जॉब में जो इनकम होता है, राइट, जॉब में जो इनकम रहता है वो स्टेडी होना चाहिए, स्टेडी इनकम होना ही चाहिए आपको, राइट। उसके अंदर से यू हैव टू इन्वेस्ट 20-30% लेके आप चल सकते हो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की तरह। जब तक आप पूरा आई कैन से जॉब कंटिन्यू है, आप ट्रेडिंग स्टार्ट किया, इधर ऑप्शन किया, इधर फॉरेक्स किया, इधर क्रिप्टो किया, कुछ भी किया, राइट, मिनिमम आपको जो भी आप इन्वेस्ट करते हो, राइट, मंथली 10% रिटर्न का रिकरिंग कंसिस्टेंट इनकम करते हो तो बेटर है। बट मिनिमम 10% का टारगेट लेके आप चल सकते हो कि मिनिमम 10% मुझे एनी आउट करके कमाना है, राइट। तो आप, और दूसरा वैसा नहीं है कि कर लिया 2-3 महीना निकल गया कंसिस्टेंट निकल लिया तो आप स्टार्ट कर सकते हो। इनिशियल आपको वो करना है कि सालाना जो आपका सैलरी है, राइट, जो जिसके बेसिस पे आप पूरा घर चलाते हो, आपके ऊपर भी डिपेंडेंट लोग होंगे, मे बी योर पेरेंट्स और योर वाइफ और किड समथिंग, राइट। तो आपको क्या करना है, एंट्री जॉब छोड़ने के लिए पहले आपका कंसिस्टेंट इनकम बनाना है। मिनिमम आप जॉब जो करते हो उसका 2 साल का सैलरी साइड पे रखना होगा बाय मेकिंग ट्रेडिंग, ट्रेडिंग करके जो भी प्रॉफिट कमाते हो 2 साल की सैलरी आपको साइड पे रखना है, और उसके बाद यू कैन लिव योर जॉब। उसके बाद आप एज ए उतना कमा लेते हो तो साइड में नहीं करना है, उतना कमा के साइड में करना है। जब तक आप कमाओगे नहीं तो ट्रेडिंग कैसे करोगे गाइस, राइट। तो वो कमा के साइड में आपको करने है इंट्राडे करके विथ योर जॉब, राइट। उसके बाद आपको जॉब छोड़ना है, राइट। अभी दूसरा सिनेरियो लेते हैं स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स कई लोग ऐसे है कि उनको एंट्री करना है, वो लोग उनका माइंडसेट क्या, पैसा डाला दूसरे दिन डबल तीसरे दिन डबल, उनका माइंडसेट ऐसा होता है। पहले आपको सीखना होगा कैसे मार्केट, कोई भी इंडस्ट्री पकड़ लो, क्रिप्टो फॉरेक्स स्टॉक्स, आपको पहले इन्वेस्ट करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट सिनेरियो क्या है, क्या है कुछ नहीं, वैसा टिप्स पे किसी की बातों पे नहीं आना है और एंट्री नहीं करना है। फर्स्ट यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च गाइज। सेम बिगिनर्स लोगों जो जॉब वाले उनको भी और स्टूडेंट्स को भी मैं ये बता रहा हूँ, ओके। तो साइड इनकम, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको साइड इनकम कमाना है, राइट, और साइड इनकम कमा के आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें से 20%, और कैसे भी करके आप आपका जो भी रेवेन्यू आप कमाते हो उसमें थोड़ा स्पेयर प्रॉफिट बुकिंग करके साइड में पैसा जमा कर सकते हो, राइट। बट ऐसा नहीं कि आप फ्रेशर हो कि पापा से लोन ले लिया, मम्मी से लोन ले लिया और पैसा डाल दिया शेयर मार्केट में, पूरा का पूरा पैसा डाल दिया शेयर मार्केट में, वैसा कभी भी नहीं करना है। सेम फॉर जॉब पीपल, सेम फॉर स्टूडेंट्स, ऐसा कभी भी नहीं करना है। जब तक आप खुद कमा रहे हो यूज योर ओन मनी ओनली, किसी के पैसों से ट्रेडिंग कभी भी मत करना, यू विल फेल, राइट। वो आपके माइंड पे इफेक्ट करेगा और रिवेंज ट्रेडिंग करवा के पूरा लॉस करवा देगा, ओके। सो मेक श्योर दैट थिंग। दूसरा, अगर आप बिगिनर हो, राइट, इफ यू आर बिगिनर, इफ यू आर स्टूडेंट, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप इंट्राडे है या फिर स्विंग ट्रेडिंग है वो लर्निंग करो। बहुत सारे कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे ट्रेनर्स भी मार्केट में अवेलेबल है, उनका आप ट्रेनिंग ले सकते हो।
फ्री कोर्सेज भी मिलते हैं, बट फ्री पे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि फ्री फ्री होता है गाइस, राइट? सो आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग माय यू नो कंसेप्ट। तो स्विंग ट्रेडिंग पहले सीखो, अगर आप सेफली करना चाहते हो तो स्विंग ट्रेडिंग करो, रिस्की करना चाहते हो तो इंट्राडे करो, इंट्राडे में भी रिस्की करना है तो लिवरेज लेके करो, दूसरा ऑप्शन में जा सकते हो, ऑलवेज सिलेक्ट। एक तो दूसरा, एक जो कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हो, नीड कैपिटल राइट फॉर इन्वेस्टमेंट, भी फ्रेंड से भी नहीं लेना, मैं भूल गया, पेरेंट्स नहीं, लोन लेके भी नहीं बैंक से, और फ्रेंड्स से पैसे नहीं लेने हैं। और मैंने जो बताया कि 2 साल का आपका जो एक्सपेंस है वो प्रॉफिट बुक करके साइड साइड करना है, राइट? फैमिली बैकअप के लिए, ओके? और दूसरा, दिस इज स्टॉक मार्केट, दिस इज क्रिप्टो मार्केट, दिस इज फॉरेक्स मार्केट, उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम। आपके पास टाइम होना चाहिए। मैं वॉट करके आया, आप मेरा वॉट करके आज, ओके? सो यू हैव टू स्पेयर योर टाइम, राइट? जितना टाइम आप ज़्यादा दे पाओगे, कोई भी ट्रेड लेते हो, कोई भी ट्रेड के लिए रिसर्च करना है, फंडामेंटल एनालिसिस करना है, टेक्निकल एनालिसिस करना है, तो आपको लिए उतना टाइम स्पेंड करना होना चाहिए, लाइक टाइम अवेलेबिलिटी रखनी पड़ेगी अगर आपको ये फील्ड में करियर बनाना है। तो वैसा नहीं कि एंट्री कर दिया, स्टॉप लॉस छोड़ के रख दिया और एग्जिट हो जाएगा। यू हैव टू स्पेयर योर टाइम मार्केट अंडरस्टैंडिंग में, लर्निंग में, कोर्सेज में, यू हैव टू स्पेयर योर ओल टाइम, ओके? और दूसरा एक डिस्क्लेमर है, आपने सुना ही होगा कि ऑलवेज इन्वेस्ट व्हाट यू आर रेडी टू लूज। जितना भी आप इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स, कमोडिटी, सबसे वॉलेटाइल चीज रहती है, राइट गाइस? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जितना भी आप इन्वेस्ट करते हो, अगर चलो आपने ऐसा सोचा कि मैं 3 लाख कैपिटल से स्टार्ट करता हूँ ट्रेडिंग, तो तीनों 3 लाख आपको नहीं डालने गाइस। यू हैव टू इन्वेस्ट इन पार्ट पार्ट में भी, आप इनिशियल अगर आपके पास 3 लाख का कैपिटल है तो यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग विथ 50,000, उसके बाद धीरे धीरे आप बढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि 3 लाख का ही कैपिटल चाहिए, यू कैन स्टार्ट इवन विथ 15-20,000। ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो, इवन फॉरेक्स करते हो तो उससे कम में भी आप कर सकते हो, 5-6,000 में आप फॉरेक्स आराम से कर सकते हो, क्योंकि फॉरेक्स में आपको लिवरेज मिलता है, ओके? सो नेक्स्ट लेते हैं इन्वेस्ट ऑप्शन, स्पॉट फ्यूचर्स, ओके? तो आपको ये एक प्लान बनाना पड़ेगा कि अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, ऑलवेज यू हैव टू सिलेक्ट, कोई भी आप स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स जो भी सिलेक्ट करते हो, उसका प्राइस उतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, उतना कम भी नहीं होना चाहिए, एवरेज प्राइस में आपको एंट्री करना है, राइट? एवरेज स्टॉक आपको सिलेक्ट करना है, राइट? एंड यू हैव टू गो विथ, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हो, फॉरेक्स कर सकते हो, जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिखाया, राइट? आपको प्लान बनाना है कि मिनिमम लाइक यू टू, कोई भी चीज प्लानिंग पे होगी तो ही आप कर पाओगे, बाकी नहीं कर पाओगे। एंड टेंशन लेके नहीं, बट प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेडिंग 10% मिनिमम आपको असाइड करना है पर मंथ, वो टारगेट लेके चलना है गाइस। अगर 3 लाख आप इन्वेस्ट करते हो तो कैसे भी करके नहीं, बट यू हैव टू स्पेयर योर टाइम रिसर्च, कुछ भी लाइक यू नो ट्रेडिंग करके आपको मिनिमम 30,000, 10% 3 लाख का वो आपको एसाइड करना है एवरी मंथ, तो ही आप कंसिस्टेंट इनकम बना पाओगे। और कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग ट्रेडिंग नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। आपको अगर वो वीडियो देखना है तो आपको मेरा वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डू नॉट डू रिवेंज ट्रेडिंग गाइस, वो आपका पूरा पैसा डुबा देगा, राइट? सो दूसरा, कोई भी आप मार्केट, अगर कोई भी स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स कोई भी सिलेक्ट करते हो, तो वो वैसा मार्केट आपको सिलेक्ट करना है जहां पे आपको कम कैपिटल लगे। एग्जाम्पल इंडियन मार्केट की बात करें तो ऑप्शन ट्रेडिंग है, उसमें कम कैपिटल में आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, राइट? बट यू हैव टू लर्न फर्स्ट ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन चेन कैसे वो वर्क करता है, वो पूरा आपको सीखना पड़ेगा गाइस, राइट? उसके बाद ही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो, कमाओ, और उसके बाद कंसिस्टेंट इनकम बनाओ, एंड देन यू लिव योर जॉब एंड मेक योर करियर इन स्पेसिफिक यू नो फील्ड। बहुत वॉलेटिलिटी है तो
ऐसा नहीं कि टेंशन लेके ये साला वॉलेटाइल है, एंटर ही नहीं करना है। जितना आप रिसर्च करोगे, जितना आप टाइम दोगे, उतना कम है ये मार्केट के लिए गाइस। ओके, और दूसरा, डोंट बी वीडियो हॉलिक। यूट्यूब है, फ्री कोर्सेज है, यार यार यूट्यूब में तो सब मिलता है, वाई नॉट आई गो विथ यूट्यूब। फ्री इंडिकेटर्स की वीडियो बहुत सारी मिल रही है, वाई नॉट यू आई एंटर इन दैट एंड मेक द प्रॉफिट। वैसा माइंडसेट अगर रखा ना तो आपके पैसे गए गाइस, राइट। तो वीडियो हॉलिक नहीं बनना है। बहुत सारे यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं कि दे प्रोवाइड यू टिप्स, टिप्स प्रोवाइड करते बट खुद ट्रेडिंग नहीं करते गाइस, राइट। सो यू हैव टू सेफ, डू योर ओन रिसर्च। मैं मेनली बोलूंगा डू योर ओन रिसर्च। कोई भी बंदा आपको टिप्स देता है, कोई भी बंदा आपको इंडिकेटर समझाता है कैसे करना है वो सब, बट बैक टेस्टिंग करो गाइस, बैक टेस्टिंग रिसर्च करो, पूरा एक एक दो दो महीने का बैक टेस्टिंग करो गाइस। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, उसके बाद कॉन्फिडेंस डेवलप होता है तो ही आप वो स्पेसिफिक इंडिकेटर यूज करो या फिर कोई भी स्पेसिफिक टिप्स फॉलो करो गाइस। ओके, सो फाइन, तो ये एक चीज है। दूसरा, किसी की सिग्नल्स फॉलो ना करें, वेदर फ्रॉम टेलीग्राम। टेलीग्राम में बहुत सारे फ्रॉड ग्रुप्स भी अवेलेबल है, तो वो टिप्स देते हैं, इवन एडवांस पैसे लेके, मंथली सब्सक्रिप्शन लेके भी फ्रॉड मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ इन पास्ट, राइट। सो डू नॉट फॉलो इन टिप्स, खुद ट्रेडिंग करो, खुद स्टॉक सिलेक्शन करो, खुद एंड टू एंड पूरा आपका, किसी को आपकी चीज़ें, जो एग्जाम्पल किसी को आपका क्या कमाना है, आपका प्रॉफिट किसी को मत दो। आप खुद सीख सकते हो तो आप खुद क्यों नहीं करते हो यार, राइट। मैं आपको बोलूंगा वही चीज़। सो डू योर ओन रिसर्च, डू योर ओन ट्रेडिंग, डू योर ओन, रिलाई ऑन यू ओनली, किसी और पे रिलाई मत करो, राइट। प्रोसेस फॉलो करना है, आई मीन राइट, प्रोसेस फॉलो करना है। अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हो तो आई डोंट थिंक सो आप ऐसा नहीं, लॉस नहीं करोगे, लॉस करोगे बट कम करोगे, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी आपकी कम रहेगी लॉस की, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी। आपको भी पता है कि 90% लूजर्स, ये इंडस्ट्री में 90% आर लूजर्स, ओनली 10% मेक मनी, राइट। तो 10% में आपको आना है, राइट। सो ध्यान लगाओ, अच्छा लर्निंग करो, अच्छे कोर्सेज सीखो, उसके बाद आप काबिल बनो गाइस। ओके, दूसरा, पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन अवेलेबल है गाइस ट्रेडिंग व्यू के अंदर। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, जैसे आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाओगे, यहाँ पे नीचे ट्रेडिंग पैनल करके आता है, जैसे उस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो पेपर ट्रेडिंग का। कुछ नहीं करना है, सिर्फ कनेक्ट करना है, आपका ये करंट जो अकाउंट होगा उससे वो कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे यू कैन सी पेपर ट्रेडिंग अवेलेबल है। उसके बाद अभी ये मार्केट तो बंद है, बट स्टिल एग्जाम्पल सपोज आपको यहाँ पे एंट्री करना है, यू कैन जस्ट राइट क्लिक, यहाँ पे जाके ट्रेड पे क्रिएट न्यू ऑर्डर। मार्केट क्लोज हो गया एक्चुअली अभी, तो दूसरा कोई भी आप स्टॉक लेके सिर्फ राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू ऑर्डर करोगे तो ऑर्डर आपके प्लेस हो जाएंगे। और पूरा लाइक शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है, सारी सारी चीजें अवेलेबल रहती है इसके अंदर, तब वो ऑप्शन ले सकते हो फॉर पेपर ट्रेडिंग। बैक टेस्टिंग मेन बैक टेस्टिंग है गाइस, पेपर ट्रेडिंग करो। 1 वीक 15 दिन आप पेपर ट्रेडिंग करोगे, आपको पता चलेगा कैसे वो स्पेसिफिक इंडिकेटर हो या फिर कोई स्पेसिफिक चार्ट कैसे रिएक्ट करता है, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, राइट। मार्केट तो बहुत वाइड है एक्चुअली गाइस, सो आप मार्केट को तो जज नहीं कर सकते, बट यस, बेस्ड ऑन टेक्निकल्स, बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस आप मार्केट को जज कर सकते हो। दूसरा, जितनी आप गलतियां करते हो, ऐसा नहीं है लॉस नहीं होगा गाइस। मैंने बहुत सारा लॉस किया हुआ, इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग, उसके बाद क्रिप्टो इंडस्ट्री में गया, क्रिप्टो इंडस्ट्री में हैवी इन्वेस्टमेंट किया, लॉस भी किया हुआ है। करंटली पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत डाउन है बट नॉट इन लॉस, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी मैंने किया था। सो आई हैव ए ह्यूज पोर्टफोलियो इन क्रिप्टो। ओके, सो मुझे एक चीज मैं फॉलो करता हूँ, जो मैं गलतियाँ करता हूँ, वेन एवर आई मेक ए मिस्टेक आई लर्न समथिंग फ्रॉम दैट, उससे कुछ सीख के उसको फिर से वो चीज ना हो, वो ध्यान रखना है आपको गाइस। सो लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, व्हाट एवर यू मेक, छोटी से छोटी मिस्टेक करते हो
उसको आप फॉलो करो, ओके। एंड एस मैंने बोला कि लेस कैपिटल से स्टार्ट करो आप गाइस, वो जो भी लोन आपको देता है, ऐसा नहीं है आपको पूरा इन्वेस्ट कर देना है, पेशेंस रखना है। ऑलवेज इन्वेस्ट व्हाट यू आर रेडी टू लूज, सो पार्ट में इन्वेस्ट करो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो पार्शली इन्वेस्ट करो, पार्शली प्रॉफिट बुकिंग करते रहो गाइस, स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो, राइट। ये इंडस्ट्री में मेन एक चीज़ है माइंडसेट, पेशेंस। कोई भी ट्रेड में अगर एंट्री कर देते हो तो पेशेंस रखना पड़ेगा गाइस। अगर आपका फंडामेंटल पे आपको विश्वास है, अगर आपका टेक्निकल पे आपको विश्वास है, राइट, स्टॉक्स जो सिलेक्ट किया है उस पे आपको विश्वास है, तो मेन चीज़ एक ही है कि यू हैव टू बी पेशेंस। माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए कि एंट्री मैंने ली है, यहाँ पे ली है तो ये मेरा टारगेट रहेगा, तो मैं वहाँ पे ही एग्जिट करूँगा, राइट। तो मार्केट में थोड़ा, मार्केट ऐसे तुरंत ऊपर नहीं जाता है गाइस, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके ही ऊपर जाता है गाइस, राइट। मोस्टली आपको वो तो पता ही होगा, तो कभी भी ऐसा बिलीव नहीं करो कि मार्केट स्ट्रेट अवे ऊपर चला जाएगा, ओके। सो मेन है पेशेंस रखो, माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, राइट, तो आपको लाइक एग्जांपल मेरा, मैं बात करूँ तभी मार्केट BTC का मार्केट आप देख सकते हो कि 69 से ऑलमोस्ट 70 था, तो 79 से अभी 17-18 के आसपास घूम रहा है, राइट। 16-17 के आसपास घूम रहा है। तो यू कैन सी जितने लोगों ने 35,000 पे 25,000 पे BTC बाय किया था, वो क्या कर सकते हैं, होल्ड होल्ड होल्डिंग कैपेसिटी होना चाहिए। कभी भी पैनिक करके सेलिंग मत करो। जब भी आपको कंफ्यूजन हो ना, कोई भी स्पेसिफिक, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, कभी भी आपको कंफ्यूजन हो, एक काम करो, जो भी स्पेसिफिक स्टॉक आप सिलेक्ट करते हो उसको बड़े टाइम फ्रेम में आप चेक करो, 1 डे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आप चेक करो, देन यू कैन सी द रियल प्रॉफिट इन दैट, ओके। रियल सिनारियो आपको पता चलेगा कि स्पेसिफिक स्टॉक कितना डाउन है, कितना अप गया है, पूरा आपको स्पेसिफिक स्टॉक के नॉलेज मिल जाएगा, ओके। दूसरा, एज मैंने बोला कि कभी भी ओवर ट्रेडिंग मत करो, रिवेंज ट्रेडिंग मत करो, उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, तो आप रिफर कर लेना, राइट। मेन लर्निंग पे फोकस करो गाइज। मैं अभी इतने सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, स्टिल आई एम ऑन लर्निंग, स्टिल मैं लर्निंग में, कभी भी एक वेबसाइट में रिफर करता हूँ, premiumcourse.online, वहाँ पे सस्ते सस्ते कोर्सेज मिल जाते हैं, मैं वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ता हूँ। यूडीमी है, यूडीमी से भी कोर्सेज में बाय करता हूँ, राइट। वो सारे कोर्सेज इंडियन मार्केट में, मैं आई एम टू बी फैक्ट टू बी क्लियर, इंडियन मार्केट में मैं थोड़ा बहुत फ्रेशर टाइप का हूँ, आई एम जस्ट एंटर। मैं फॉरेक्स करता हूँ, मैं क्रिप्टो करता हूँ, क्रिप्टो सबसे ज़्यादा करता हूँ, राइट। आई फॉलो DCA स्ट्रेटेजी, डॉलर क्रॉस्ट एवरेज स्ट्रेटेजी, उस पर मैं फॉलो करता हूँ गाइस, ओके। सो किसी पे डिपेंड मत करो, बी योर ओन बॉस मैं जनरली बोलूँगा। एक है कि 2 साल का फंड आप सेव कर लो आपके लिए, एज ए बिगिनर, एज ए स्टूडेंट, जॉब करो, कमाओ, 2 साल का फंड साइड पे रखो एज ए बैकअप, उसके बाद आप जॉब छोड़ सकते हो, उसके बाद आप पढ़ाई छोड़ के ट्रेडिंग कर सकते हो, फुल टाइम ट्रेडर आई कैन से। आई होप ये मेरा शॉर्ट शॉर्ट नहीं, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, बट आपको अच्छा लगा होगा। इट इज़ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, राइट। मे बी सबका अलग अलग सीनारियो रहता है, तो दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस, मैंने ओन एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताया। दूसरा कि मैं एज ए ट्रेडर, मैं एज ए IT बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं इंडिकेटर्स भी बैड डेवलप करता हूँ। पीछे आप चार्ट पे देख सकते हो कि मैंने मेरा इंडिकेटर डेवलप किया हुआ है, वो आप देख सकते हो। आई हैव माई ओन कलेक्शन, एक्चुअली मैं खुद का कलेक्शन करके ही मैं था। इंडिकेटर्स थोड़े आपको, आपने देखे होंगे ADX, ये लास्ट वाला ADX है, उसके ऊपर MACD स्ट्रेटेजी में यूज़ करता हूँ, और उसको ऊपर वाला जो मैंने जो इंडिकेटर डेवलप किया है वो वाला है, राइट। इट्स नॉट सुपर ट्रेंड, मोस्टली लोग बोलते हैं सुपर ट्रेंड सुपर ट्रेंड, ये सुपर ट्रेंड नहीं है गाइज, ओके। सो आई हैव बल्क ऑफ कलेक्शन ऑफ माई इंडिकेटर्स, टोटल 6 7 8, पहले 6 थे 7 हुआ, अभी 8 इंडिकेटर्स का कलेक्शन है। 2 एक्स्ट्रा मैं इंडिकेटर्स भी देता हूँ, टोटल 10 इंडिकेटर्स का कलेक्शन देता हूँ। एक्चुअली आई एम ए सेलर, मैं इंडिकेटर्स सेल करता हूँ, नॉट एज ए प्रोफेशनल, आई यूज माई सेल्फ, वो मुझे अच्छे लगते हैं, दैट्स द रीजन आई एम सेलिंग इन वेरी चीपेस्ट रेट मार्केट में। मैंने बहुत सारे, जब भी मैं एंटर हुआ था कोरोना के बाद, मैंने मार्केट में देखा बहुत सारे इंडिकेटर्स का रेट
30,000, 40,000, 20,000, उसके बाद वो मंथली चार्ज करते, डेटा चार्ज करते, वो सब चार्ज करते, राइट। सो मेरे यहाँ पे वैसा कोई केस इन सीनारियो नहीं होगा, आपको एंड टू एंड सपोर्ट मिलेगा। जहाँ पे भी अटकते हो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, राइट। मेरा डोमेस्टिक में भी मैं सेल करता हूँ, मैं इंटरनेशनल भी सेल करता हूँ इंडिकेटर्स, राइट। और मेरे सारे इंडिकेटर ऐसा नहीं है कि फ्री अकाउंट में नहीं चलेंगे, यू कैन यूज इन फ्री ट्रेडिंग भी अकाउंट, कोई भी मार्केट के लिए आप यूज़ कर सकते हो, क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक, क्रिप्ट, कॉमोडिटी, फ्यूचर्स, ये सारे मार्केट मीन्स आई मीन ट्रेडिंग भी चार्ट सारे उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो। एंड यू कैन गो विथ शॉर्टर टाइम इंट्राडे भी कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, राइट। सो आई होप आपको ये मेरा जो मैं इंडिकेटर्स का बोल रहा हूँ उसकी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको भेज देता हूँ, सो यू कैन रिफर दैट वीडियो। एंड कुछ भी स्टिल कुछ डाउट हो यू कैन फील फ्री टू कॉल, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड आई अगर आप नए हो मेरे चैनल के अंदर तो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर करो किसी और फ्रेंड्स को, कुछ किस कोई बंदा फ्रेशर हो, कोई बंदे को एंट्री करना है ये मार्केट के अंदर, कुछ कंफ्यूजन हो फील फ्री टू कॉल। आपको मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर ये जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वो आप मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हो गाइस। ओके अगेन थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। आपके वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना हो जिससे मुझे मोटिवेशन मिले गाइस, एंड ऐसे नए नए वीडियोस मैं लाता रहूँगा। एंड आपको भी अगर हो कि कौन से टाइप के वीडियोस बनाना है, आपके माइंड में कुछ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे कॉल करके बताना कि ये स्पेसिफिक पे वीडियो आप बनाओ, ओके तो मैं उसके बेसिस पे वीडियो बना दूंगा, ओके। एंड आपको मेरे ये इंडिकेटर्स की डेमो वीडियोस की लिंक्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेम इंडिकेटर्स का मैं जो चार्ज है वो सबसे कम चार्ज है 6,000 रुपीज़, 5,999 में मैं सेल करता हूँ। टोटल कलेक्शन ऑफ 10 इंडिकेटर्स, उस टोटल 8 है, उसके साथ 2 एज ए बोनस मैं प्रोवाइड करता हूँ, वो मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको, वो लाइफ टाइम एक्सेस के पास आता है, राइट। वो लाइफ टाइम एक्सेस है, यू कैन यूज़ फॉर लाइफ टाइम, जस्ट आपका ट्रेडिंग व्यू जो अकाउंट होगा उसका मुझे यूजर नेम चाहिए, मैं आपको लाइफ टाइम एक्सेस मेरे एंड से मैं दूंगा। एंड सपोर्ट 24/7, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, कुछ भी कन्फ्यूजन हो मैं गाइड करूंगा, ओके। एंड फाइन, अगर आप एज ए बिगिनर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट अ लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइज, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।